हे गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्णा शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कृष्णा गैलरी पर। सो गाइस, आज के इस फोटोशॉप की क्लास पे हम कैमरा रॉक के कुछ उस तरह के हिडन फीचर के बारे में जानेंगे जिससे आप कलर ग्रेड कर सकते हैं अपने इमेज को बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप से और बहुत ही सुंदर तरीके से। तो गाइस, यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय लूंगा, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही हम सारा प्रोसेस को सीखेंगे। वेरी वेलकम गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप फोटोशॉप पे मेरे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन कर रखा है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करिएगा तो आप इस इमेज को डाउनलोड कर पाएगा। तो गाइस, अभी हमको कलर ग्रेड करना है। तो मानिए मेरा ये पूरा कंपोजिशन है, यहाँ पे मैंने ये पूरा एडिटिंग को किया है और अब मुझे अभी इसको कलर ग्रेड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल जे, यानी कंट्रोल जे करने का मतलब क्या, आपको डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि आपको सिंपली यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लेयर पर रख देना है। तो इसका मतलब आपको एक डुप्लीकेट बन जाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये रहा, ठीक है। ये बन जाने के बाद आपको सिंपली है आपको फिल्टर पे जाना है और यहाँ से कैमरा फिल्टर पे जाना है। कैमरा फिल्टर पे अपनी इमेज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आपका ठीक है और क्या नहीं है। तो मैं सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी है उसको मैं क्या करूँगा, क्लियरिटी को इंक्रीज करूँगा और क्लियरिटी को मैं लगभग यहाँ पर 29 रखता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरिटी को अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा नॉइजी इमेज हो जाएगा क्योंकि क्लियरिटी को हमने इंक्रीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जीरो कर देता हूँ। तो गाइस, ये प्रोसेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आप देखिए कि आपका इमेज में सबसे ज्यादा कलर क्या है। यहाँ पर देखिए मेरा कलर कुछ ये है, ब्लू है। तो ब्लू को अगर मैं बढ़ा दूंगा, ये घटा दूंगा तो पूरा घट जाता है, बढ़ा दूंगा तो पूरा बढ़ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे ब्लू को हमको रखना है लगभग +30 पे। मैं अपने इस इमेज के अकॉर्डिंगली करूंगा, बाद में ब्लू को थोड़ा सा कम करूंगा और यहाँ से ब्लू को चेंज कर दूंगा कुछ इस टाइप के कलर पे, देखिए, ठीक है। ये गाइस सिंपल सा ट्रिक है और आपको अभी क्या करना है, इसे ग्रेडिएंट टूल लेना है और इस पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट देखिए लाइट है और हम इसको डार्क में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करके सिंपली करना है। और आपको सिचुएशन को ध्यान रखना है कि माइनस कर देना है। अगर सिचुएशन अगर देखिए आपको अगर जीरो में रखते हैं तो आपका इमेज पूरा यहाँ पर येलो येलो टोन ले लेगा। अगर आप इसको सिचुएशन को डाउन कर देंगे और यहाँ से क्लियरिटी को इंक्रीज कर देंगे तो ये पूरा व्हाइट टोन पे आ जाएगा। और यहाँ से हम एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करेंगे कुछ इस टाइप का, परफेक्ट। तो गाइस, ये बेसिक सा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका देखिए इमेज बहुत ही सुंदर तरीके से कलर ग्रेड हो चुका है। यहाँ से मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखाता हूँ, ये पहले था और ये बाद में हुआ है। तो गाइस, ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्लियरिटी हमने इंक्रीज किया, वाइब्रेंस को लगभग -42 कर देता हूँ और यहाँ से जो टेम्परेचर है उसको येलो टोन पे ले चलता हूँ। ये देखिए येलो टोन पे हमारा आया है इमेज। तो गाइस, ये हमारा कलर ग्रेडिंग था बेसिक सा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा इफेक्ट डाल देना है, लगभग 13 या -10, ये परफेक्ट है। और ओके पर हिट करना है। ओके पर हिट करने से आपका जो इमेज है वो कैमरा फिल्टर पे कलर ग्रेड होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस कलर ग्रेड किया है। पहले कुछ इमेज इस टाइप का था और बाद में हमने इस टाइप का बनाया। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल है और आपका ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसे अच्छी तरह से समझ के रखें क्योंकि जब आप फोटो एडिटिंग करते हैं तो आपका छोटा छोटा चीज ही बहुत ही अच्छा इमेज को और प्रो लुक देता है। तो गाइस, आप इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। तो गाइस, ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं।